ये भगवा का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, ये रावण कौरव और कंस के लोग हैं, ये भगवे का दुरुपयोग करते हैं, ये भगवा को बदनाम करते हैं। देश की भोली वाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये चक्कू पी जाते हैं, कभी तलवार पी जाते हैं। अरे भैया, बेबी दारू पी के नाचे लू छम छमा छम छम छम, तो रिंकिया के पापा सम्मान कर रहे थे। बजरंग दल को बोलिए ना दिल्ली में जाए, वहाँ अंजलि के घर बीजेपी नेता मनोज मित्तल का विरोध करें, कहिए ना बजरंग दल वालों को कि जाके वहाँ हम हल्द्वानी में जाएं, जहाँ 50 साल दुर्गा पुराना दुर्गा माता का मंदिर तोड़ा जा रहा है, जहाँ 70 साल पुराना शिव गोपाल मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहिए ना बजरंग दल वालों को। कह रही है चाकुओं की धार तेज कर लो, ये साध्वी नहीं ये गुंडी है। अरे ये गुंडा मवाली की भाषा बोलती है, साधु संतों की भाषा नफरत की भाषा नहीं होती है। साधु संतों की भाषा चक्कू पिजाने की या तलवार पिजाने की नहीं होती है। ये सनातन हिंदू धर्म के लोगों को समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हमारे समाज के बच्चों को गुंडा बनाना चाहती है। हमारे बच्चों को कलम चाहिए, हमारे बच्चे को किताब चाहिए, हमारे बच्चे को कॉपी चाहिए, और हमारा धर्म शिक्षा की बात कहता है। तभी तो प्रभु श्री राम गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, तभी तो प्रभु श्री कृष्ण गुरुकुल में जाते थे, तभी तो हमारे देखिएगा सनातन परंपरा में कौरव और पांडव भी गुरुकुल गए थे। वे शिक्षा की बात तो नहीं, भगवा पहनकर चाकुओं की धार तेज करवाएंगे साध्वी? भगवा पहन के ही तो रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था। ये देखिए, ये भगवा का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, ये रावण कौरव और कंस के लोग हैं। भगवा का नाम है त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। भगवा पहनकर लोग झूठ नहीं बोल सकता है, और भाजपा के लोग झूठ बोलने का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ भगवा को पहनकर करते हैं। ये भगवे का दुरुपयोग करते हैं, ये भगवा को बदनाम करते हैं, ये कालनेमी के लोग हैं, ये रावण कौरव और कंस के लोग हैं, वरना ये एक शब्द भी नफरत की बात नहीं करते। ये साध्वी प्रज्ञा वही है जो मोदी जी कहते थे मन से माफ नहीं करूंगा इनको। मोदी जी तो कभी भी मन से कोई कामे नहीं करते हैं। अगर मन से माफ किया होता तो जसोदा बेन को गले अपना लिया होता। वही तो मन है, पति पत्नी के बीच में जो मन की दूरियां हैं वो आज तक नहीं मिटा पाए। तो क्या इनका मन है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। ये तो यही मौन है इनका। इनका मौन के लिए चक्कुओं की धार तेज करवाई जा रही है। चक्कुओं की धार, ये तो चोर पॉकेटमारों की एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये पॉकेटमारी करेंगे कहीं ना कहीं, देश लूटेंगे, इसलिए तेज कर रहे हैं। हम बताइए क्या तो करें? ऐसी राजनीति होगी देश में? देश में राजनीति ऐसी नहीं होगी। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए अहिंसा के रास्तों से चलेगा। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से ये लोग देश को परोसना चाह रहे, देश को टुकड़े टुकड़ों में विभक्त करना चाह रहे, तो देश को पता है, हमारे बाप दादाओं को पता था, तो भाजपा को 63 सालों तक सत्ता में नहीं आने दिया। हम लोग थोड़ी सी भाग क्या गए, ये गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली वाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये चक्कू पी जाते हैं, कभी तलवार पी जाते हैं। अरे भैया, धरने को दिया बंदूक हो गया बलदार, पूरा देश भाजपा मुक्त भारत। ये भगवे का अपमान नहीं है? भगवा कपड़ा पहन के ऐसे काम करती है? ये कौन सा अपमान नहीं करते? भगवान राम की प्रतिमा छोटी सी और मोदी जी की बड़ी सी, तो ये भगवान राम का अपमान नहीं करते? स्वामी विवेकानंद और उनका फोटो था अभी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी, तो क्या देश के महापुरुषों का अपमान न था? ये हर हर मोदी, मतलब हर हर मोदी, हर हर महादेव को हर हर मोदी से तुलना करोगे, दो कौड़ी के आदमी का जो अपने घर का सगा नहीं हुआ, तो क्या ये महादेव का अपमान न है? कह रहे देश में भगवा का बड़ा अपमान हो रहा है, फिल्में आ रही हैं, बेबी दारू पी के नाचे लू छम छमा छम छम जम, तो रिंकिया के पापा सम्मान कर रहे थे। डिम्पल कपारिया टिप टिप बरसा पानी, आई जो आम को काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, रवीना और कैटरीना, तो उसमें क्या सम्मान है? देखिए, भगवा से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना क्या है,
मुंह में राम बगल में छुरी, समझिए ये चोर पकड़मार लोग हैं और ये पूरे भाजपा जो है चोर पकड़मारों की एक टोली है। कह रहे वो सच्चा हिंदू नहीं होगा जो पठान मूवी देखने जाएगा। अच्छा सही में पता नहीं आप सेंसर बोर्ड किसके अंडर में है? बीजेपी के, सरकार के। तो वो सच्चा हिंदू है कि नहीं है सेंसर बोर्ड वाले? उन्होंने तो पास कर दिया। अरे भाई कैसे पास कर दिया बगैर देखे हुए? इसका मतलब है कि ये लोग पैसा कमीशन लेता है। सेंसर बोर्ड का काम था कैंची चलाना और सेंसर बोर्ड में वही आदमी सदस्य होगा, वही आदमी चेयरमैन होगा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा। कंगना रनौत जो इसे लात रखी हुई है वो आरती उतार रही है भगवा का? वो देश की बेटी है ना। देखा नहीं आपने योगी जी का पूरा बयान? क्या पुराना बयान? उन्होंने कहा था मैं कंगना रनौत का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ सही बोला। कौन जब आप उसको योगी कहिएगा तो लादेन को और उसको क्या कहिएगा? शंकराचार्य दाऊद को? अरे ये लोग ढोंगी अपराध नाथ हैं। आप देखने जाएंगे? अरे पठान मूवी क्यों नहीं देखेंगे? तो आप साध्वी की बात नहीं मानेंगे? साध्वी प्रज्ञा कौन? साध्वी कह दिया सनातन हिंदू नहीं होगा। हम गुंडे मवाली की बात मानते हैं। सनातन परंपरा का वो है जो त्याग तपस्या क्षमा बलिदान को मानता है। जिसने हमारे यहाँ आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक साधु नदी में स्नान कर रहा था और बिच्छू डूबता जा रहा था। बिच्छू को साधु बार बार निकालने की कोशिश करता और बिच्छू बार बार डंक मारता। लेकिन साधु चूंकि वह सनातन परंपरा का मानने वाला था तो उसने उस बिच्छू को बचाने की कोशिश की। समझ रहे हैं बात? तो आप समझिए हमारा धर्म क्या है। तो फिर बजरंग दल इतना विरोध क्यों कर रहा है? क्या बजरंग दल इतना विरोध क्यों कर रहा है इस फिल्म को? बजरंग दल को बोलिए ना दिल्ली में जाए, वहाँ अंजलि के घर बीजेपी नेता मनोज मित्तल का विरोध करें। कहिए ना बजरंग दल वालों को कि जाके वहाँ हम हल्द्वानी में जाए जहाँ 50 साल दुर्गा माता का मंदिर तोड़ा जा रहा है, जहाँ 70 साल पुराना शिव गोपाल मंदिर तोड़ा जा रहा है। कहिए ना बजरंग दल वालों को, इन बेशर्मों को, कि खोरी गाँव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, ये किस बिल में छुपा हुआ था? लेकिन पंकज जी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लगातार कहा गया था कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से कि दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है। अब राहुल गांधी यूपी से जा रहे हैं हरियाणा। हाँ तो आपको क्या लगता है चूक ना हुई है? आपसे पूछ रही हूं। अरे भाई जिसकी दादी ने अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, जिसके बाप को चिथड़े होते हुए पूरा विश्व ने देखा है, और आधुनिक युग के गांधी को भी आपने भी देखा होगा, वो एक टी शर्ट पहन के जा रहे होते हैं तब भी मीडिया वालों के और भाजपा आरएसएस वालों के पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। अच्छा। अरे भाई वो महात्मा हैं, उनके शरीर में देखो ठंड नहीं लगती है। ये मशरूम की सब्जी खाने के बावजूद भी 20 लाख का सूट पहनना पड़ता है, ठंड मार जाता है। कह रहे हैं सुरक्षा का मुद्दा इसलिए मनाया जा रहा क्योंकि यात्रा फेल हो गई। अगर यात्रा फेल होती तो आप लोग इतना कवर ही नहीं कर पाते। आप लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी, मीडिया के लोगों ने कभी भी उस यात्रा को नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री को शौचालय जाने के अलावा मोर हाथ पर चढ़े तोता चढ़े तो भी 50-50 कैमरे होते हैं, गंगा जी में डुबकी लेंगे तो भी होगा, माँ को देखने गए तो भी होगा, माँ से आशीर्वाद लेने जाते तो भी होगा, रोड शो करेंगे कोरोना काल में तो भी होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा को कवर क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को पैसा मिला हुआ? लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में मायावती, अखिलेश यादव, चौधरी और राकेश। देखिए समर्थन में आपने सबसे बड़ी बात देखी होगी चंपत राय अयोध्या के ट्रस्टी। हाँ। भाजपा के तमाम नेता दिल से स्वीकार कर रहे हैं। अब वो वाली बात है कि गले में फंसा हुआ है चनमा मछली बीजेपी वालों को। इतनी बड़ी यात्रा, विश्व की पहली यात्रा और विश्व की ऐतिहासिक यात्रा, जो कोई तो है जो घर से बाहर निकला है भारत को जोड़ने, दिल से दिल को जोड़ने। नफरत को मैंने झेला है, हम बिहार से आते हैं, जब हम दिल्ली और महाराष्ट्र के राज्यों में जाते हैं
तो लोग हमें स्टेट के नाम पर नफरत करते हैं। जब हम घर से बाहर निकले थे तो जाति के नाम पर नफरत झेला था, प्रांत के नाम पर नफरत झेला था, तो हमसे बेहतर नफरत को कोई नहीं जानता होगा। ये लोग नहीं, हम कायस्थ हैं, लेकिन आप ये हम इंसान हैं, हम आपके आप लोगों की तरह सैतान्य हैं कि जो हम इस तरीके की बात कहें। अरे भूख आपको भी लगती है, भूख हमको भी लगती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं इन्होंने भारत तोड़ा, यही जोड़ने चलती है, बताओ। बीजेपी वाले शायद ये उसी सपोले के बच्चे हैं जब गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई थी कि फूट डालो और राज करो, तब इन लोगों ने गोरे अंग्रेजों का साथ दिया था। जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1933 में सावरकर ने अहमदाबाद के एबिटेशन में दुई राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था। 1941 में जब मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने सरकार बनाई थी, जो उस समय आरएसएस के रूप में था, रॉयल सीक्रेट सर्विस, तब इन्होंने दुई राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था। जब 1943 में गुलाम हुसैन रतुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी, तब इन्होंने दुई राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था। ये नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो। 1942 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था, तब इन्होंने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी और गार्ड की नौकरी ली थी।